ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऐसे दो क्या होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो कौन कौन से ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है ये भी पता होना चाहिए, मतलब तो कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे तब जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे तब जाके क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब पाई बॉन्ड के लिए तो वैकेंट ऑर्बिटल ही काफी है ना, पाई बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए जाके वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले तो सिग्मा बॉन्ड क्या क्या करते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, देखिए जब भी दो एस ऑर्बिटल्स, दो एस ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। याद रखिए तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल से फॉर्म होता है वो देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स विच विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो पहले आप नोट डाउन करो कौन से एस एस ओवरलैप, कौन से ऑर्बिटल्स, यस और यस, मतलब दो यस ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे तो बनेगा एक क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड है ना, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट अगला वाला लिखो, वन एस एंड वन पी, वन यस है ना, वन एस एंड कौन सा, वन पी ऑर्बिटल, तब भी क्या बनेगा, यस और यस मिलेंगे सिग्मा बनेगा, या एक एस और एक पी मिक्स हो जाएंगे तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, जब भी दो पी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दैट मीन्स टू पी ऑर्बिटल्स, टू पी ऑर्बिटल्स क्या बनेगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड कहां कहां फॉर्म हो सकता है, कौन कौन से टाइप के ओवरलैपिंग में, एस एस ओवरलैप अगर से होता है तब भी सिग्मा बनेगा, यस और पी में भी सिग्मा बनेगा, दो पी अगर से कंबाइन होते हैं तब भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आगे ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे एस एस जो ओवरलैप होता है तो कहां पे हमें वो एस एस ओवरलैप देखने को मिलता है वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एस एस ओवरलैप मतलब जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मान लो, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर में क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आता है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, एक ही होते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल में आता है ना, तो एक हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल और सेकेंड वाले हाइड्रोजन का दूसरा एक एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि एस एस ओवरलैप मतलब कैसे होगा, मानो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग जस्ट टू मॉलिक्यूल की केस में देखेंगे, H2 मॉलिक्यूल के केस में, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन नजर आते हैं, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ H सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हम लोग जनरली सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है जनरली ऐसे ही कहते हैं। अब यहाँ पे अगर से देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, वन एस वन, और ये वाला कितना रहेगा, वन एस वन, मतलब कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नजर आता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है ना, ऐसा ऑर्बिटल ये वाला एक और ये वाला है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, यस कंबाइन हो रहा है एस के साथ, एस कंबाइन किसके साथ हो रहा है, एस के साथ, तो ये बनता है यस एस है ना ओवरलैप। तो अब एस एस ओवरलैप से कौन सा बनता है, एस एस ओवरलैप से कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड है ना। वो बैचलर वाला क्या करना है, देखना पड़ा सामने देखिए, ऐसे जो हो जाएगी तो बनेगा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा है ना। तो ये हाइड्रोजन की कैसे देख सकते हैं, जैसे मानो ये वाला, क्योंकि एस फॉर किसके लिए होता है, स्फेरिकल मतलब गोल वाला होता है ना, ऑर्बिटल का शेप जो देखा था हमने, तो ये वाला एस वन एस है ना, और है ना इसको ऐसे लिखो वन एस वन, और ये वाले हाइड्रोजन का ये क्या रहेगा, वन एस वन। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन, तो ओवरलैपिंग जब होती है तो ऐसे फॉर्म होगा, ऐसे यहाँ पे मैं ऐसे दे देता हूं, ठीक है, H और H, तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, H2 बराबर, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग H2 मॉलिक्यूल की केस, ठीक, तो ये ऐसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होंगे, तो ये वाली जो ओवरलैपिंग होती है ये वाली है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग कौन सा बॉन्ड, क्या कहेंगे इसको, आगे समझ में, तो एस एस से क्या बनता है,
सिग्मा वन बनता है। अभी एस और पी वाला लेते हैं, ठीक, ये वाला लिखा आपने, इतना लिखो फटाफट से जल्दी से। चार दस बारह और पांच सत्रह बराबर ना,
HCl, HCl, ओके, ये हो गया S और P की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप जिससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। अभी आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर में कौन सा बचता है हमारा PP ऑर्बिटल्स, है ना, ये वाला दो P ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाएंगे। अभी दो P ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग कौन सा मानो F2 मॉलिक्यूल ले लिया है, तो F2 मॉलिक्यूल क्या होता है यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी F2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये वाला एक F का ऑर्बिटल और ये क्या है दूसरा वाला, तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये वाला कौन सा होता है सिग्मा, है ना, ये वाला एफ का एक पी ऑर्बिटल और ये एक टू पी और ये भी क्या रहेगा टू पी वाला एक क्लोरीन, ठीक है, एफ और एफ, ठीक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जब क्लोरीन की जैसे देखते हैं वन एस टू टू एस टू क्या रहेगा हाँ टू पी हाँ वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव, है ना, क्योंकि क्लोरीन के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइन, एटॉमिक नंबर नाइन आता है, तो ये एक पी का एफ का पी ऑर्बिटल और सेकंड एफ का पी ऑर्बिटल, तो ये दो कंबाइन हो जाएंगे ऐसे, तो ये बनता है कौन सा वाला पीपी ऑर्बिटल कंबाइन ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे जो दो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होते हैं तो दोनों भी क्या हो जाते हैं कंबाइन इंटरन्यूक्लियर, मानो कोई एक एफ का एक्स एक्सिस में और दूसरे वाले एफ का एक्स एक्सिस, मतलब दोनों ही एक्स एक्सिस क्या होते हैं ऐसे ओवरलैप हो जाते हैं, है ना, ये वाला होता है सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है कि जहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है ज्यादा होती है, मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्गर रहेगा, है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड के केस में हम लोग देखते हैं कि पाई बॉन्ड के अंदर में जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ऐसी ओवरलैपिंग साइड वाइज। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर में सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होती है, ये वाला। अब यहाँ पे अगर जिसको हम सेपरेट अगर चेक करना चाहें तो इसको एनर्जी हमें ज्यादा लगानी पड़ती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके ये क्या होता है सेपरेट होता है। लेकिन पाई बॉन्ड के केस में क्या होता है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे मानो ऐसे साइड वाइज मतलब साइड से ओवरलैपिंग होती है। अब इसको एनर्जी हम थोड़ा सा कम भी अगर से लगाएंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो इसीलिए कहते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड, आगे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा उतना बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता है, ओके, ये हो गया ओवरलैपिंग के केस में, मतलब सिग्मा बॉन्ड कहां कहां पे बनता है, ठीक, आगे बेटा ये ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने देखा, तो लास्ट में हम लोग क्या देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे, बराबर ना, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है कि मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, ऑफ सेम एटम, सेम एटम के, है ना, ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं फिर क्या होते हैं रिकास्ट होते हैं, जैसे ग्राउंड स्टेट के अंदर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल में ट्रांसफर कर जाता है, तो आउटर शेल में ट्रांसफर करता है मतलब क्या होता है वहां पे एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, है ना, जैसे मैंने लास्ट केस में आपको बताया था, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आपको कार्बन के केस में बताया था लास्ट में, कार्बन के केस में भी देखा था थोड़ा सा, ग्राउंड स्टेट क्या होती है एक्साइटेड स्टेट क्या होती है वो भी जानना जरूरी है। देखो कार्बन छह इलेक्ट्रॉन इसको कुछ ऐसे लिखो वन एस टू टू एस टू और ये रहेगा टू पी टू, बराबर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले तो ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट मतलब जैसे है उस टाइप से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड में लिखते हैं दो है और लास्ट में पी में कितने हैं दो है, तो ये सिंगल और सिंगल, ये होता है ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ और ये होता है अभी दूसरा क्या रहेगा एक्साइटेड स्टेट, मतलब याद रखो कि पी ऑर्बिटल अगर से इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन अगर से है और वो वैकेंट पी ऑर्बिटल अगर से होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करना है शिफ्ट करना है ऐसे, लेकिन कहां से सेम शेल से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे
शिफ्ट होंगे, है ना। ये वाला 2s है और ये भी 2p है, मतलब ये सेकंड में ही है दोनों, है ना। सारे सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे नजर आते, सेकंड शेल में नजर आते हैं, है ना। तो ये सेम शेल से सब शेल में क्या होंगे, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एक्साइट हो जाएगा कहां पे 2s से, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे 2p में, है ना। तो ये वाला होता है 1s, ये वाला होता है 2s और ये होता है 2px 2py 2p। तो 2p साइड वाला ऑर्बिटल कैसे नजर आता है, वैकेंट नजर आता है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जब हम कुछ सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर से क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 2s से 2p में। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो पोजिशन सेम ही रहेगी, दो के दो इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एक, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अभी 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये जो 2s और ये 2p ये दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद में क्या होते हैं रिकास्ट होते हैं, रिकास्ट होते हैं मतलब क्या कि पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, दो, अभी कितने नजर आते हैं कितने आते हैं टोटल, ये भी और ये कंबाइन हो गए कितने हो गए 4 नजर आते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में वही प्रोसेस होती है, मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। मिक्सिंग मिक्सिंग होने से पहले सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड थे, लेकिन जब मिक्स हो गए तो उसके बाद में कितने हो गए 4, है। अब 4 बॉन्ड क्या कर सकता है बना सकता है, 4 बॉन्ड क्या कर सकता है। तो ये मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, तो वही प्रोसेस क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइज करते हैं मतलब क्या करते हैं हम हाइब्रिड जो बनाते हैं तो क्या करते हैं कोई मटेरियल हम बोलते हैं कि हाइब्रिड मतलब क्या होता है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें हम क्या करते हैं मिक्स करते हैं, तब जाके वो क्या होती है जो नई चीज निकल के आती है उसको कहते हैं हम लोग हाइब्रिड, ठीक है हाइब्रिड बराबर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें हाइब्रिड नजर आ रही है ना, गवर्नमेंट वाला जो होता है बाय नेचर तो वो चीजें नजर नहीं आती है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती है मिक्स करके जो बनाए जाते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस ही होती है, ठीक। तो यहाँ पे 2 चीजें होती है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट है ना, और उसके बाद क्या होंगे मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। पहले तो एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होगी जैसे हमने बनाया, और उसके बाद में क्या होगी वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर क्या होंगे रिकास्ट होंगे, फिर से नए बन के बाहर निकलेंगे, मिक्स होके नए बन के बाहर निकलते हैं। तो ये 2 स्टेप क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में आते हैं, ठीक। आगे और याद रखिए कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है ना फॉर्म हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होंगे फॉर्म होंगे, याद रखिए जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वहां पे रहेंगे उतने ही क्या होंगे बॉन्ड फॉर्म होंगे। नंबर ऑफ क्या बोलेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, जितने हाइब्रिड फॉर्म होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये चीज याद रखना है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हो गए 4, तो बॉन्ड कितने बनाए 4 बॉन्ड, आगे 4 बॉन्ड, ओके चलो। तो वहां पे कुछ पॉइंट्स नीचे लिखो हाइब्रिडाइजेशन के केस में, हाइब्रिडाइजेशन के केस में स्टेप्स 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 कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, स्टेप्स कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, स्टेप्स कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। उसके अंदर एक नंबर लिखना है, एक नंबर लिखेंगे फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड ई एक्स है ना CITED excited state, and second one mixing and recasting of orbitals, mixing and recasting of orbitals, mixing and recasting of
और नीचे लिखना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, चलो हेडिंग को लगाओ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।